हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवा लर्निंग। फॉर मोर अपडेट्स यू कैन ऑल्सो लॉग इन टू आर वेबसाइट www.shivalearning.in। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं जेईई मेन 2019 का जो अप्रैल का एग्ज़ाम दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन है और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन और नोटिस क्या क्या है वो मैं इस वीडियो के जरिए आपको बताने वाला हूँ। तो चलिएगा शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि कोई भी अपडेट आती है तो आपके फ़ोन पर नोटिफिकेशन आ जाए। एनटीए इज एक्सेप्टिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर जेईई मेन 2019 अप्रैल एग्जामिनेशन। तो एनटीए एक्सेप्ट कर रहा है। ये सब सारी न्यूज़ मैं अपनी पहले वीडियो में बता चुका हूँ आपको कि 8 फरवरी से रजिस्ट्रेशन चालू हो गए थे, जो 7 मार्च तक चलेंगे। इसके अलावा जो वीडियो का मेन टॉपिक है, जो जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कैंडिडेट्स के लिए, वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे फर्स्ट है, कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द जेईई मेन 2019 जनवरी एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू लॉग इन टू जेईई मेन nic.in यूजिंग द सेम एप्लीकेशन नंबर। दोज हु हैव नॉट अपीयर्ड इन जनवरी 2019 आर रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द ऑनलाइन एप्लीकेशन विद न्यू रजिस्ट्रेशन। तो जो फर्स्ट टाइम यानी कि अप्रैल में एग्जाम दे रहे हैं, जनवरी वाला नहीं दिया था, उनको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। और जिनको जिन्होंने जनवरी का दे दिया था, उनको एग्जिस्टिंग यूज़र वाले में लॉग इन करना है। मैंने कल इस पर एक वीडियो बना के इसके बारे में बता दिया था कि कैसे कैसे लॉगिन करना है, उसको आप देख सकते हैं। उस वीडियो को नीचे उसकी मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। सेकंड वन इज़, स्टूडेंट्स अपीयरिंग इन अप्रैल अगेन वुड बी रिक्वायर्ड टू फिल द फॉर्म एंड पे द एप्लीकेशन फी एज रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कैंडिडेट्स, देर इज़ नो एक्सेम्पशन इन द फी। जो अप्रैल में अगेन प्रिपेयर हो रहे हैं, उनको ऐसा नहीं है कि उनको दोबारा फीस पे नहीं करनी है। उन सभी स्टूडेंट्स को दोबारा से फ़ी पे करनी है अगर वो अप्रैल में दोबारा एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। थर्ड वन इज़, एनटीए हैज़ रिलीज्ड एन इंपॉर्टेंट नोटिस आस्किंग स्टूडेंट टू एंश्योर दैट देर आर नो डुप्लीकेट फॉर्म्स। ये मैं बता दूँ, इस पर ही मैंने कल की वीडियो बनाई थी कि मल्टीपल एप्लीकेशन फाइल मत करिए, देर शुड बी नो डुप्लीकेट फॉर्म्स, क्योंकि ऐसा करने पर विदाउट इंटीमेशन एनटीए फॉर्म रिजेक्ट कर दे रहा है, एप्लीकेशन कैंसिल कर दे रहा है। उसके लिए आप कल की वीडियो को देखें ज़्यादा जानकारी के लिए, उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। फोर्थ वन इज़, जेई मेन 2019 रैंक वुड बी रिलीज आफ्टर द रिजल्ट फॉर जेई मेन 2019 अप्रैल एग्जामिनेशन। तो 2019 की जो रैंक होगी वो अप्रैल एग्जामिनेशन के बाद रिलीज़ करी जाएगी। और वो कैसे करी जाएगी मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। वो परसेंटाइल बेसिस पर करी जाएगी, ना कि जो रॉ स्कोर है उस पर। जैसे एग्जाम्पल के लिए इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि आपको पता है जो बेस्ट है वो कंसिडर्ड होगा, तो इसीलिए 90 अगर आपके मान लो जो अप्रैल जनवरी वाला था उसमें 320 स्कोर करके आपने 95 परसेंटाइल आप लाए थे, बट सेकंड वाले में 324 रॉ स्कोर करके 94 परसेंटाइल आप लाए। तो स्कोर वाइज, रॉ स्कोर वाइज तो अप्रैल वाले आपके ज़्यादा हैं, बट जो परसेंटाइल है वो आपकी 95 यानी कि जनवरी वाली ज़्यादा है। तो आपका जनवरी वाली रैंक है, वो जनवरी वाले जो मार्क्स है परसेंटाइल है, उसको कंसिडर करके आपको रैंक दी जाएगी। आप इस फोर पॉइंट को दोबारा पढ़ सकते हैं, आप इसको ढंग से समझ सकते हैं। मीन्स जो इस चीज़ में आपकी परसेंटाइल ज़्यादा होगी जोन से एग्ज़ाम में, अप्रैल और जनवरी दोनों में से, उसको कंसीडर किया जाएगा। द कट ऑफ फॉर जेई एडवांस 2019 वुड बी शेयर्ड आफ्टर जेई मेन 2019 अप्रैल एग्जामिनेशन। एक्सपर्ट्स हाउएवर एक्सपेक्ट दैट द जेई एडवांस 2019 कट ऑफ में रेंज बिटवीन 80 परसेंटाइल मार्क्स। तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाई चुकी है, बट मैं दोबारा बता देता हूँ, आप उस वीडियो को भी देखिए, मैं सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। 80 परसेंटाइल मार्क्स, ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात चल रही है, यही हमने भी निकाली थी अपनी एक्सपेक्टेड, और मैंने पूरे थियोरेटिकली पूरा निकाला था कि 80 परसेंटाइल क्यों आ सकती है इस बार, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्यों रह सकती है, और एक्सपर्ट भी यही मान रहे हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थे जो आपको फॉलो करने हैं। गाइस प्लीज़ ध्यान रखिएगा, डुप्लीकेट फॉर्म्स यानी कि दोबारा मल्टीपल फाइलिंग आप मत करिएगा एप्लीकेशंस की, जो कि बहुत बेकार साबित हो सकता है, क्योंकि वो एग्ज़ाम में आपको अलाउड नहीं करेंगे उसके बाद। तो गाइस ऐसी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए हमारा चैनल शिवा लर्निंग जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहे आपके फ़ोन पर। मिलते हैं नई वीडियो में ऐसी नई नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।